नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सीएम हेमंत आज 9:05 पर मोराबादी मैदान में करेंगे ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस के रंग में शहर रंग चुका है। सभी प्रतिष्ठानों और कार्यालयों में आजादी के महोत्सव की तैयारी पूरी कर ली गई है। विधानसभा भवन और हाई कोर्ट समेत सभी सरकारी कार्यालयों को सजाया गया है। बता दें, मोराबादी मैदान में गुरुवार को सुबह 9:05 पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ध्वजारोहण करेंगे। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मोराबादी मैदान में इसके लिए विशेष पंडाल बनाया गया है। मुख्य मंच के दोनों ओर अधिकारियों और विशिष्ट अतिथियों के लिए अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं। वहीं मुख्य मैदान के दोनों ओर सीढ़ीनुमा पंडाल बनाया गया है। मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करेंगे, इसके बाद मंच से राज्य की जनता को संबोधित भी करेंगे। ध्वजारोहण के बाद जनता के नाम संदेश होगा। वहीं राज्य सरकार के द्वारा उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। मोराबादी मैदान के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शहीद चौक स्थित शहीद स्मारक जाकर ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसे लेकर राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चीनी नहीं बांटने वाले 179 डीलरों को होगा शो काज। अंत्योदय योजना के तहत चीनी का उठाव नहीं करने वाले रांची जिले की जन वितरण प्रणाली के 179 दुकानदारों को शो काज किया जाएगा। इन डीलरों ने चीनी के लिए अब तक राशि जमा नहीं की है। इस योजना के लाभुकों को हर माह चावल, गेहूं, चीनी, दाल और नमक दिया जाना है। बता दें, रांची जिले में 2139 पीडीएस डीलर और 1,19,034 पीला राशन कार्डधारी हैं। डीलरों की लापरवाही से 18,000 लाभुकों को चीनी नहीं मिल पाई है। पीडीएस डीलर को प्रति राशन कार्ड 1 रुपये किलो चीनी देनी है। इसके लिए पहले पीडीएस डीलर को चीनी के लिए प्रत्येक पीला राशन कार्ड के लिए 25 रुपये प्रति केजी राशि जमा करनी होती है। इसके बाद गोदाम से डीलर को चीनी मुहैया कराई जाती है। वहीं पीडीएस डीलर लाभुक से चीनी के बदले 25 रुपये वसूलता है, लेकिन अब तक जिले के 179 पीडीएस डीलरों ने चीनी के लिए राशि जमा नहीं की है। क्यूआर कोड स्कैन करते ही मदद को पहुंचेगी पुलिस। राजधानी रांची की पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत अब डायल 112 को क्यूआर कोड से जोड़ दिया गया है। डायल 112 के क्यूआर कोड को राजधानी के 10,000 ऑटो, बस, दर्जनों एटीएम सहित स्कूल कॉलेज में लगाया जा रहा है। बुधवार को रांची डीआईजी अनूप बिरथरे, एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा सहित कई पुलिस अधिकारियों ने खुद फील्ड में उतरकर ऑटो सहित कई जगह 112 के क्यूआर कोड को लगाया है। बता दें, रांची डीआईजी ने बताया है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता के प्रयास से डायल 112 के लिए पुलिस के टेक्निकल सेल ने क्यूआर कोड डेवलप किया है। क्यूआर कोड को अगर आप मोबाइल से स्कैन करेंगे तो तुरंत वह 112 से कनेक्ट हो जाएगा। इस दौरान आप अगर विपत्ति में हैं या फिर किसी तरह की कोई समस्या में फंसे हुए हैं तो तुरंत आपको पुलिस की सहायता मिलेगी। रांची डीआईजी ने बताया कि वर्तमान में सभी लोग स्मार्टफोन रखते हैं और मोबाइल फ्रेंडली भी हैं। अगर ऐसे लोग थोड़े से जागरूक होंगे तो खुद की मदद तो कर ही पाएंगे, साथ ही जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है उसकी मदद भी कर पाएंगे। पारा शिक्षकों ने 6,000 बढ़ोतरी पर अड़े। झारखंड के पारा शिक्षकों ने 2,000 रुपये मानदेय बढ़ोतरी के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। पारा शिक्षक वेतन मान के समतुल्य मानदेय बढ़ाने की मांग पर अड़े हैं। शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और पारा शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता हुई है। वार्ता में मानदेय बढ़ोतरी पर अंतिम सहमति नहीं बन सकी। अब रक्षाबंधन के बाद फिर से वार्ता होगी और मानदेय बढ़ोतरी पर मंथन होगा। बता दें, शिक्षा मंत्री ने वार्ता के दौरान सरकार की ओर से तत्काल 2,000 रुपये मानदेय वृद्धि किए जाने की बात कही है। पारा शिक्षकों ने इससे इनकार कर दिया है और 5,000 से 6,000 की बढ़ोतरी किए जाने पर अड़े हैं। वहीं सहायक अध्यापकों का सेवा काल 62 वर्ष करने पर मुख्यमंत्री की सहमति के बाद विचार किया जाएगा। बता दें, झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के राज्य प्रतिनिधि सिद्दीकी शेख ने कहा है कि सरकार ने वर्तमान में वादे को भुला दिया है। समझौते के अनुरूप ईपीएफ का लाभ देना था, उसे भी मुकर गई है। झारखंड के 8 जवानों को वीरता पदक। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पदकों का ऐलान कर दिया है। झारखंड पुलिस से गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे समेत 7 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक मिला है। वीरता पदक पाने वालों में अन्य पुलिसकर्मियों में दरोगा विश्वजीत कुमार सिंह, एसएसआई सचिदानंद सिंह, हवलदार उमेश सिंह, आरक्षी सुभाष दास और गोपाल गांजू और रविंद्र टोपो शामिल हैं। बता दें, गढ़वा एसपी दीपक पांडे, दरोगा विश्वजीत और आरक्षी गोपाल को मुठभेड़ में मोस्ट वांटेड
माओवादी रविंद्र गांजू दस्ते के इनामी नक्सली चंद्रभान को ढेर करने और 5 लाख के इनामी गोविंद बिरजिया को गिरफ्तार करने के लिए वीरता पदक दिया गया है। यह मुठभेड़ 28 दिसंबर 2022 को लोहरदगा के कार्गो जंगल में हुई थी। बंगला स्थान बनाने की चल रही साजिश बाबूलाल मरांडी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड समेत देश के कई राज्यों और कुछ सीमावर्ती देश के खास हिस्सों को मिलाकर बंगला स्थान बनाने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा, खुफिया एजेंसियों के मुताबिक झारखंड के बड़े हिस्से, संथाल बहुल इलाके, बिहार का किशनगंज जिला, पश्चिम बंगाल, अधिकांश उत्तर पूर्वी राज्य नेपाल और म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिलाकर बंगला स्थान नामक देश बनाने की साजिश है। मरांडी ने आगे कहा है कि 5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद कट्टरपंथी जगतवातुल हिंद इस्लामिक बांग्लादेश के मकसद को पूरा करने की जुगत में लगे हैं। बांग्लादेश में उत्पन्न हालात और कट्टरपंथियों का खतरनाक मंसूबा पूरे देश के साथ साथ झारखंड के लिए भी अत्यंत संवेदनशील है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में 30 लाख महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च की गई मैया सम्मान योजना धूम मचा रही है। विपक्षी भले ही इसे आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की गई लुभावनी घोषणाओं की फेहरिस्त में बताएं, लेकिन सच्चाई यह है कि शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में 1000 रुपये मासिक लाभ वाली योजना ने आधी आबादी को पूरा आकर्षित किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक विरोधियों ने भी इस योजना को हाथों हाथ लिया है। वे खुलकर इसका प्रचार या प्रशंसा करने से भले ही परहेज कर रहे हों, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों को इस अभियान में लगाया है ताकि क्षेत्र की महिलाओं को फायदा होने पर आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। बता दें, योजना की सफलता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि अभी तक 30 लाख से ज़्यादा महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन करा चुकी है। इस योजना में 50 लाख से अधिक महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य राज्य सरकार ने निर्धारित किया है। इसमें 21 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को इससे संबंधित किया जा रहा है। गढ़वा में कलश यात्रा पर समुदाय विशेष के उपद्रवियों का हमला। गढ़वा के मेराल प्रखंड स्थित चामा गांव में सोमवार के अवसर पर निकाली गई कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर समुदाय विशेष के लोगों ने हमला कर दिया है। इसमें 7 लोग घायल हो गए। मेराल थाना में हमला तथा मारपीट की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले में दुलदुलवा गाँव स्थित नरदेश्वर मंदिर के अध्यक्ष अजय चंद्रवंशी एवं ग्रामीणों ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद और 40 से 50 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। प्राथमिकी के लिए दिए गए आवेदन के अनुसार सोमवार को दुलदुलवा गांव से कलश यात्रा दांडो नदी पेशका के लिए निकाली गई थी। कलश यात्रा में जल भरकर श्रद्धालु जय श्री राम जय भोलेनाथ के उद्घोष के साथ लौट रहे थे। कलश यात्रा चामा गाँव स्थित समुदाय विशेष के टोला से गुजर रही थी। इसी दौरान दिलदार अंसारी के घर के पास एकाएक लगभग 50 की संख्या में समुदाय विशेष के लोग लाठी डंडे और कुल्हाई के साथ पहुंच गए। उपद्रवी श्रद्धालुओं के साथ मारपीट और झगड़ा झंझट करने लगे। नियोजन और स्थानीय नीति को सुधारेंगे अमर बावरी। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा है कि राज्य में अगर NDA की सरकार बनी तो पिछली सरकार में जो नियोजन नीति बनी थी और स्थानीय नीति को परिभाषित किया गया था उसे और बेहतर बनाया जाएगा। इसे पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ का है, जिस पर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। इसके अलावा प्रदेश की सत्ता में परिवर्तन और लगातार बिगड़ता लॉ एंड ऑर्डर भी बड़ा मुद्दा होगा। झारखंड को मिलेगा बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झारखंड के 1.36 लाख करोड़ रुपए देने का आदेश दे दिया है। CM हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल X के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि झारखंड सरकार के बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे दे। हेमंत सोरेन ने लिखा है कि झारखंड सरकार लगातार केंद्र सरकार से राज्य सरकार के पैसे मांग रही थी। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के झारखंड की बकाया पैसे लौटाने के आदेश की बड़ी जीत बताया है। पलामू में नक्सलियों की हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने हुसैनाबाद थाना क्षेत्र से माओवादी संगठन के लिए हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। फैक्ट्री से हथियार बनाने में उपयोग होने वाले सामान के साथ एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया। पुलिस ने 56 वर्षीय प्रसिद्ध परहया व 26 वर्षीय दौलत यादव को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित माओवादी संगठन के नितेश यादव दस्ता के सक्रिय सदस्य प्रसिद्ध परहिया व दौलत यादव के साथ प्रतापपुर में
मुनारिक विश्वकर्मा के साथ लक्ष्मण परैया के खेत में बने छोटे से अस्थायी जगह पर देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया है। झारखंड में मुफ्त बालू के लिए करे रजिस्ट्रेशन। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए निःशुल्क बालू उपलब्ध कराने के फैसले के बाद अब इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। JSMDC ने गैर आयकरदाताओं को सूचित किया है कि वे JSMDC की वेबसाइट पर जाकर बालू की बुकिंग करा सकते हैं। बालू जिस स्लॉट से लेने के लिए बुकिंग कराई जाएगी, वहाँ से बालू लेने के लिए वाहनों की व्यवस्था लाभुक को स्वयं करनी होगी। बालू लेने के लिए JSMDC की वेबसाइट पर जाकर पहले निबंधन कराना होगा। इसके बाद एक ID बन जाएगी। ID बनने के बाद ही स्टॉक यार्ड से एक व्यक्ति अधिकतम 2000 CFT तक ही बालू की बुकिंग करा सकता है। धन्यवाद।